मेरी वाली टॉफी। अरे वाह किंचल, किंचल वाली टॉफी। हाँ। ये ले किंचल वाली टॉफी। और बता तेरे भाई कैसे हैं? भाई अच्छे हैं, राजा पढ़ रहे और सोनू खेल रहा है। ये मेरी तरफ से एक केक, ये राजा के लिए और ये सोनू के लिए। थैंक यू अंकल। कौन है ये लड़की? अकेली माँ की बेटी है, मोहल्ले में नए आए हैं। इसकी माँ और मामा दोनों काम पे रहते हैं और ये और इसके दोनों भाई घर पर अकेले। सोनू। वाह वाह। चा? अरे राजा पढ़ाई कर रहा है? किंजल कहाँ है? माँ किंजल तो टॉफी लेने गई है, अभी तक नहीं आई, बहुत टाइम हो गया उसको। अभी तक नहीं आई? राजा तू सोनू का ध्यान रख, मैं अभी आती हूँ। किंजल, किंजल, काका, काका आपने किंजल को देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। कहाँ ढूंढू? भाविश भैया, भैया, भैया किंजल नहीं है घर पे, ट्रॉफी लेने के लिए गई थी, अभी तक नहीं लौटी है, जरा जाकर देखिए ना उसे। कैसे बच्चों को तालिम बंद करके जाया करो, एकदम परेशान हो, मैं देखता हूँ। बाजारी तो गई थी ना, देखो क्या लेकर आई हूँ मैं। हाँ बिस्किट खाओ बैठ करके, और मैं अभी जल्दी से दूध भी गर्म करके लेके आती हूँ। हाँ रोना नहीं बिल्कुल। संगीता अब क्या हुआ? क्या बात है, आजकल किंजल नहीं दिखाई दे रही, दो दिन हो गए स्कूल भी नहीं आई। हाँ वो नानी के वहां गई हुई है ना, इसलिए। सब ठीक तो है ना? हाँ संगीता सब ठीक है। अच्छा ये लो, किंजल के क्लास टीचर ने उसके एग्जाम का टाइम टेबल दिया है, 3 दिन बाद एग्जाम शुरू हो रहे, एग्जाम से पहले किंजल को बुला लो। प्रिंसिपल सर, किंजल भले ही कभी स्कूल ना गई हो लेकिन सर पढ़ाई में ये बहुत होशियार है, तीसरी क्लास के बच्चों के बराबर जानती है ये। वो तो ठीक है लेकिन किंजल 9 साल की है, आपने इसको पहले स्कूल क्यों नहीं भेजा? ऐसी परिस्थितियां थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन सर मेरी किंजल का दाखिला ले लेंगे ना आप स्कूल में? क्यों नहीं, जिस देश में बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता हो वहां आप जैसों की मदद करना हम अध्यापकों का फर्ज है। किंजल बेटा खूब मन लगा के पढ़ोगी ना? हाँ सर। माँ 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 किंजल दीदी टॉफी लेकर कब आएगी? किंजल दीदी तो है नहीं, आप भूल गई?
हाँ, किंजल की मम्मी बोल रही हूँ। किंजल कहाँ है? जी मैंने किंजल के बारे में जानने के लिए फोन किया है। किंजल आपके साथ नहीं है? आप कौन? किंजल के स्कूल का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर, आप? आज परीक्षा का पहला दिन था और किंजल आई नहीं। सब ठीक है ना नीता जी? वो प्रिंसिपल सर, किंजल को बुखार हो गया है तो इस बार परीक्षा नहीं दे पाएगी वो। बच्चों बिल्कुल परेशान मत करो, जहां लेकर चल रही हो चुपचाप चलो बस। माँ किंजल दीदी तो आई नहीं। किंजल यही रहती है? जी। आप कौन? साहब ये किंजल के मामा है भावेश और मैं माँ नीता। बात क्या है? किंजल कहाँ है? वो साहब वो अपनी नानी के यहाँ गई हुई है। क्यों? किंजल के स्कूल में आपने कहा कि उसे बुखार है, वो एग्जाम भी नहीं दे सकती, लेकिन अभी आप लोग कह रहे हैं कि वो अपनी नानी के घर गई है। साहब ये दोनों बात सही है, उसको बुखार था, उसका हवा पानी बदलने के नानी घर भेज दिया। लेकिन साहब आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि किंजल के स्कूल के प्रिंसिपल को लगता है कि आप लोग किंजल को लेकर कुछ छुपा रहे हैं। सर किंजल की क्लासमेट किंजल के पड़ोस में रहती है, मैंने उसकी मम्मी से बात की तो मुझे लगा कि किंजल की माँ नीता ज़रूर कुछ छुपा रही है। ऐसा क्या छुपा रही है जो आपको हमारी मदद चाहिए? सर हो सकता है किंजल का किडनैप हो गया और किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी हो कि वो इसके बारे में किसी को कुछ ना बताएं। सर मैंने किंजल की मम्मी को कॉल किया तो फ़ोन उठाती ही बोली किंजल कहाँ है, और जब पता चला कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो बात बदल दी। आपने किंजल के पिता से बात नहीं की? जी वो उनके साथ नहीं रहते। एडमिशन के वक्त भी मैंने किंजल के पिता के बारे में जानना चाहा था, पर किंजल की माँ नीता किंजल के पिता के बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। हाँ साहब मैंने किंजल के पिता को छोड़ दिया था, लेकिन प्रिंसिपल सर को जैसा लग रहा वैसा बिल्कुल नहीं है। किंजल सच में अपनी नानी के यहाँ ही गई हुई है। एक काम कीजिए, किंजल की नानी का नंबर दीजिए, प्रिंसिपल साहब की तसल्ली के लिए उनसे एक बार बात कर लेते हैं। जी मेरे फोन में है, मैं लेकर आती हूँ। हेलो, किंजल की नानी बोल रही हैं? जी मैं किंजल की नानी बोल रही हूँ। थे कौन? इंस्पेक्टर राठौर, आपका नंबर किंजल की माँ नीता से मिला, जरा किंजल से बात करवाइए। वो किंजल को बुखार आ रहा है ना, तो मैंने उसको दवाई दे के सुला दिया। साहब अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना? आप लोगों को तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहते हैं, फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए किंजल के पिता और उसकी नानी का नाम और पता दे दीजिए। तलवार, मुझे ऐसा लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। एक कांस्टेबल को किंजल की नानी के घर भेजो, हो सकता है किंजल वहां ना हो और इन्हीं के कहने पर किंजल की नानी सच छुपा रही है। ओके सर। नीता तुमने पुलिस को झूठ बोल के सही नहीं किया। अपने बेटों का भला चाहने वाली मां अपनी बेटी की गुनहगार तो नजर आ रही थी, लेकिन उसकी ममता स्वार्थी थी या मजबूर यह अब भी साफ नहीं था। लेकिन उसका बोला हुआ झूठ जल्द ही पुलिस के सामने आने वाला था।
बोलो अरे। सर किंजल की माँ ने जो पता दिया था वो गलत है, यहाँ किंजल की नानी नहीं रहती। बोलो सिंह। सर उसके पति का एड्रेस भी गलत निकला। करीब एक घंटे पहले उन लोगों को यहाँ से जाते हुए देखा था। आपने पूछा कहाँ जा रहे हो? नहीं साहब, मैं छज्जे पर थी, नीचे आई तब तक वो लोग जा चुके थे। सर किंजल की माँ और मामा दोनों का फोन बंद है। ये नीता और भावेश, इनके किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में जानती हैं आप? नहीं साहब, वो लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे और 4-5 महीने पहले ही यहाँ आए थे और ये मकान भी किराए का ही है। मेरी यहाँ के मकान मालिक से बात हुई, उसको भी इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, उसने तो रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनवाया था। एक काम कीजिए, किंजल की नानी का नंबर दीजिए। मेरे फ़ोन में है, मैं लेकर आती हूँ। वो किंजल को बुखार आ रहा है ना, तो मैंने उसको दवाई दे के सुला दिया। नीता ने जिस औरत से हमसे फ़ोन पर बात करवाई थी उस फ़ोन नंबर का एड्रेस निकालो। अब ये बात तो तय है कि किंजल गायब थी, अब जानना ये है कि ये लोग किसी से डर के यहाँ से भागे हैं या फिर कोई अपराध करके। पर एक बात समझ में नहीं आई, अगर अपना सारा सामान यहाँ से ले गए तो किंजल की फोटो भी यहाँ छोड़ गए। बेटा अब किंजल दीदी को कभी मत याद कर, वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं बेटा, भूल जाओ कि कोई तुम्हारी बहन थी। हम किंजल को बहुत पीछे छोड़ा है, बहुत पीछे। चलो। नानी माँ, किंजल का बुखार उतर गया? तलवार चेक करो। सर साहब, सर बच्चे अंदर नहीं। मैं सच कह रही हूँ साहब, किंजल की माँ और मामा कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता, और किंजल भी यहाँ पर नहीं है साहब। तो फिर किंजल की नानी बन के हमसे फोन पे बात क्यों की थी आपने? किंजल की माँ ने ही मुझसे कहा था ऐसा करने के लिए साहब। ये क्या बात कर रही है नीता बेटा, मैं किंजल की नानी बनकर कैसे बात कर सकती हूँ? काकी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, सब बताऊंगी, प्लीज मेरी मदद कर दो। उसकी परेशानी को देखकर ही मैंने उसको हाँ करी थी साहब। हमने सब पता कर लिया है, तुम अक्सर वहाँ आती जाती हो, क्या छुपा रही हो हमसे? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही साहब, मैं तो उसके कपड़े इस्त्री करती हूँ साहब, और उसी के लेन देन के लिए ही बस मैं उसके घर आया जाया करती थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पर इसमें किंजल के कपड़े और उसके स्कूल की वर्दी नहीं है बेटा। हाँ काकी, वो कहीं गई हुई है। कहाँ गई वो? बाद में बताऊंगी, आप पहले इतने कपड़े ले जाइए। वो नीता अपनी हर दुख परेशानी मुझे बताया करती थी, पता नहीं किंजल के मामले में उसने क्यों खुद झूठ बोला और मुझसे भी झूठ बुलवाया, और फिर अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। सर हमारे कॉल करने से ठीक पहले सुलेखा को नीता के नंबर से भी कॉल आया हुआ था, उसका बयान सही हो सकता है क्योंकि ये नहीं भागी, लेकिन किंजल की माँ और मामा किंजल के भाइयों के साथ नगायब हो गए, पर किंजल की फोटो और कपड़े वगैरह वहीं छोड़ गए।
इसका मतलब उन्होंने किंजल की उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन सर उनके घर से तो किसी भी तरीके के क्राइम का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन एक बात तो साफ है तलवार, कि किंजल एक हफ्ते से गायब थी और ये बात वो सबसे छुपा रहे थे। आप लोगों में से बच्चियों को जानता है क्या? नहीं सर। लाश की फोटो सभी थानों में भेजो, शायद कुछ पता चल सके। ओके सर। किंजल के साथ साथ उसकी माँ और मामा दोनों के फोटो सर्कुलेट करवाओ, उनके कॉल डिटेल्स, उनसे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन निकालो। उनके मोबाइल फोन बंद है तो मोबाइल का IMEI नंबर ट्रेस करने की कोशिश करो, हो सकता है उन्होंने सिम चेंज किया हो। सर ये क्या है? फोन। भैया आप तो नया नंबर लेने गए थे ना, तो ये फोन खरीदने की क्या जरूरत थी? आजकल पुलिस पुराने फोन में नया सिम डालने से भी पकड़ लेती है। लेकिन भैया आप तो जानते हैं ना, नौकरी भी नहीं है हाथ में, तो इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? नीता अब परेशान मत हो, इतना पैसा है कि 2-2.5 महीने का खर्च निकल जाएगा, तब तक हम लोग कुछ दूसरा जुगाड़ कर लेंगे। नीता और भावेश ने अपना ठिकाना फरार अपराधी की तरह बदल लिया था, जो उनकी मंशा और शख्सियत पर सवाल खड़े कर रहा था। एक तरफ पुलिस उन तक पहुंचने के सिरे तलाश रही थी और वहीं दूसरी तरफ किंजल की लाश आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी जारी थी। लेकिन किंजल की हत्या में नीता और भावेश की क्या भूमिका थी, इसको लेकर ज्यादातर लोगों की राय एक ही थी। नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकता कि किंजल की माँ किंजल को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जो माँ अपनी बेटी का भविष्य संवारने के लिए संघर्ष कर रही थी, वो अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकती सर। तो उसने किंजल के गायब होने की बात हमसे छुपाई क्यों, और फिर अपने भाई और बेटों के साथ गायब कहाँ हो गए? हो सकता है सर उसकी कोई मजबूरी हो। कैसी मजबूरी? ये तो वही बता सकती है सर। लेकिन सर किंजल को गायब करवाने में उसके पिता का हाथ हो, शायद वो ऐसा करके किंजल की माँ को फिर से अपने पास बुलाना चाहता हो। सर मैंने आपको पहले भी बताया था, एडमिशन के वक्त किंजल की माँ ने किंजल के पिता के बारे में बात करने से साफ मना कर दिया था। जहाँ तक मैं किंजल की माँ को समझ पाया हूँ, मुझे लगता है उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, उसका कोई ऐसा अतीत ज़रूर है जिसे वो याद भी नहीं रखना चाहती थी। अगर वो अपने अतीत को भुलाना चाहती थी तो फिर किंजल की यादें पीछे घर की छोड़ गई। हेलो, हत्या गला घोट कर की गई थी। हत्या से पहले बच्ची को बुरी तरीके से पीटा गया था, बच्ची की बॉडी पर गहरी चोट के निशान मिले हैं जो हत्या से पहले के हैं। हत्या कब हुई? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या 2 दिन पहले की गई थी। 2 दिन पहले, मतलब 21 अगस्त। हम किंजल के परिवार को 22 अगस्त को मिले थे और उसी शाम वो घर छोड़ के चले गए। तलवार, क्या वो लोग जानते थे कि किंजल मर चुकी है? शांत हो जा नीता, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। किंजल की माँ के कॉल रिकॉर्ड्स में से ऐसा कोई नंबर सामने आया है जिससे हमें किंजल के पिता की कोई लीड मिल सके? सर नीता जिस मार्केटिंग कंपनी में काम किया करती थी, वहां पर एक बंदा है संतोष चौधरी, नीता अक्सर फोन पर उसी से बात किया करती थी। पता चला है कि दोनों अच्छे दोस्त थे। मैंने संतोष को फोन किया लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन है, आ जाने वाला है। वो जैसे ही आया उसे यहाँ बुलाओ। सर, सर मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए गांव चला गया था सर। तुम गांव गए थे, तुम्हारी दोस्त की बेटी गायब हो गई, तुम वापस आए तो तुम्हारी दोस्त ही गायब हो गई। हाँ सर पता चला। तो ये पता है कि किंजल की माँ कहाँ है? नहीं सर। हमें तो पता चला कि तुम उससे शादी करने वाले थे, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उसकी कोई खबर ही नहीं है। हाँ सर ये बात सही है कि मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है सर मुझे नहीं पता। इतना तो पता होगा उसका पति कौन है। सर वो अपने पति का जिक्र करने से बहुत डरती थी सर, और कभी पास्ट की बात भी नहीं करती थी सर। शायद इसकी वजह उसके पति के द्वारा दिए हुए घाव हो सर। वो मुझसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी सर। किंजल की मौत की वजह तो सर वो बन ही नहीं सकती। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? कोई भी ऐसा क्लू, कोई ऐसी बात जो तुम्हें याद हो?
सर वो बातों बातों में कभी एक गांव का नाम लेती थी सर। किस गांव का? जैतपुर सर। लेकिन सर ये नहीं पता कि उसके पति का गांव है या फिर उसकी माँ का गांव है सर। सर नीता के कॉल रिकॉर्ड में तो जैतपुर का कोई नंबर नहीं मिला है, लेकिन नीता के भाई के कॉल रिकॉर्ड में जैतपुर का एक नंबर मिला है, किसी सूरज भान के नाम से रजिस्टर्ड है। हेलो, ठीक है सर, दौसा पुलिस स्टेशन से फोन था, किंजल की मां नीता को दौसा गांव में देखा गया है। तलवार तुम एक टीम लेकर दौसा गांव जाओ, मैं जैतपुर जाता हूँ। सर पहले किंजल अब राजा, अगर तू अब भी चुप रही तो सोनू से भी हाथ हो बैठेगी। दोपहर में एक आदमी का कॉल आया था, उसी से नीता के बारे में पता चला। हम घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां वो औरत मौजूद नहीं थी, लेकिन किडनैपिंग के गवाह थे। साहब वो औरत बहुत घबराई हुई थी, रो रही थी, वो अपने दूसरे बच्चे को लेकर चली गई। उस मोटरसाइकिल का नंबर याद है तुम्हें? नंबर प्लेट ही नहीं थी उस मोटरसाइकिल की। वो औरत कौन थी, उसको देखा कभी? नहीं साहब, उसको देखा नहीं मैंने कभी। उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब। किडनैपर ने मुंह पर गमछा बांध रखा था, वो कौन था इसका कोई क्लू नहीं, लेकिन जब हमने उस औरत का स्केच बनवाया तो हमें पता चला ये वही औरत है जिसकी आपको तलाश है। उस औरत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? हमारी टीम आसपास के गांव में सर्च कर रही है, शायद कोई क्लू मिल जाए। नीता और भावेश के दौसा में छुपे होने का क्लू तो पुलिस को मिला, लेकिन यह भी सामने आया कि किंजल के बाद नीता का छोटा बेटा भी किडनैप हो गया था। लेकिन वो किडनैपर कौन था और इस किडनैपिंग का मकसद क्या था, ये राज नीता की तलाश तक पुलिस को कई भूल भुलैया में उलझाने वाला था। जहां पुलिस का परिचय भावेश के माता पिता से तो हुआ, लेकिन चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि नीता और किंजल का भावेश के माता पिता से कोई संबंध था ही नहीं। हमारे बेटे का दिमाग खराब था जो ऐसी लड़की का अपनी बहन बना लिया। बना बैठा मतलब? वो लड़की इसी गांव की है, बचपन से हमारे बेटे को जानती है, अपने पति को छोड़ के मेरे बेटे को लेके भाग गई, वो भी अपने तीन बच्चों के साथ। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। मेरा बेटा बड़ा बोला है, उसको मुंह बोली बहन बना लिया जिससे कोई सगे वाला भी रिश्ता ना रखे। लेकिन उस लड़की का इस गाँव में सगे वाला है कौन? उसके माँ बाप है। आपको जो पूछना है उनसे पूछो। धनवारी गुज्जर जी साहब बोलिए। आपकी बेटी और आपकी नातिन के बारे में बात करनी थी आपसे। इसको जानते हो? हाँ साहब। कहाँ रहती है? अगली गली में रहती है साहब। साहब जिससे रिश्ता ही खत्म कर दिया उसके बारे में क्या बात करनी? क्यों, ऐसा क्या हो गया था जो अपनी बेटी से नहीं बल्कि नवासा और नवासी से भी रिश्ता तोड़ लिया? आप चाहते हैं कि हम अपने ही मुंह से अपनी बेटी को परचलन कहें? आपको ये कहें कि वो उस लड़के के साथ भाग गई जिसे वो अपना भाई बोलती थी? सर ये वही घर है जहां वो भाई बहन रहते थे। सर ताला लगा हुआ है। तोड़ो ताला। मतलब अपने पति से तंग आकर वो आपके साथ रहना चाहती थी, लेकिन आप उसे वापस भेजना चाहते थे। एक पिता होकर अपनी बेटी को नहीं समझ पाया, और जिस आदमी ने भाई बनकर उसकी मदद करनी चाहिए आप उस पर ही नहीं अपनी बेटी पर भी लांछन लगा रहे हैं। साहब आप उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे वो हमारी तो क्या किसी की भी नहीं हुई, एक नंबर की एहसान भरा मुझ से। तो आपको लगता है कि आपकी नवासी की हत्या आपकी बेटी ने की होगी? साहब हम कुछ नहीं जानते, हम उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते, हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं उससे। तो उसका नाता आपने जिसके साथ जोड़ा था उस पति का पता ठिकाना बताइए। गांव वालों के बयान से साफ है कि मर्डर अटेम्प्ट से पहले नीता का बेटा किडनैप हुआ था। पहले किंजल की हत्या, फिर उसके भाई की किडनैपिंग और अब भावेश पे जानलेवा हमला। तलवार हो ना हो इन सबका कनेक्शन के जैतपुर गांव से लगता है।
हो सकता है नीता और उसका दूसरा बेटा भी किडनैप हो गए हों। तुम उनका पता लगाने की कोशिश करो, मैं नीता के पति से मिलकर आता हूँ। साहब किसी अजनबी को तो नहीं, पर हाँ उस आदमी की बहन को देखा था घर से निकलते हुए। ताला बंद करके वो बेटे को लेकर निकल गई, बहुत जल्दी में लग रही थी। कितने घंटे पहले देखा था ये? करीब 2-3 घंटे पहले देखा होगा। बिस्किट खा ले बेटा, ये ले खा। माँ, 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 नीता से मेरा कोई बेटा था ही नहीं साहब, और भला मैं क्यों किसी का किडनैप करने लगा? तो तुम ये बात साफ कर रहे हो कि किंजल के अपहरण और उसकी हत्या से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है? जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो साफ क्या करना साहब। मैं मानता हूँ कि किंजल मेरी बेटी है, लेकिन नीता से तलाक के बाद किंजल अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। कब हुआ तलाक? 7 साल पहले। जब से ना मैंने नीता की शक्ल देखी और ना ही किंजल की। तलाक हुआ क्यों था? उसे दूसरी शादी करनी थी साहब। वो दोनों लड़के उसके दूसरे पति के ही बेटे होंगे। हाँ साहब, सोनू और राजा नीता के दूसरे पति के ही बेटे हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया कि नीता ने 2 शादियां की थी? किस मुंह से बताता साहब, उसने अपने दूसरे पति को भी छोड़ दिया था और हमारे मुंह पर तालिक पोत कर उस भावेश के साथ भाग गई। भावेश का लीवर बहुत बुरी तरह डैमेज है, उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल है। अभी ये भी कहना मुश्किल है कि वो सर्वाइव करेगा कि नहीं। मैं नीता को छोड़कर अपने नई गृहस्थी के साथ बिल्कुल खुश हूँ। भला मुझे क्या पड़ी है जो मैं उस स्त्रिया चरित्र को ढूंढकर उससे बदला लूंगा? नीता को छोड़ दिया, लेकिन बेटे तो तुम्हारे ही थे ना। हो सकता है उसकी बेटी को उठाकर तुमने अपना बेटा वापस मांगा हो, और जब उसने मना किया तो उसकी बेटी को मारकर अपना बेटा उठा लिया। सुना है तुम्हारी दूसरी शादी से तुम्हें बेटा नहीं? आपको क्या लगता है साहब, जिस औरत को मैं चरित्रहीन समझता हूँ उसके बेटों को अपना खून समझूंगा? सर, गवाह और एविडेंस ये इशारा कर रहे हैं कि भावेश पर हमला नीता ने ही किया। नीता को घटनास्थल से बाहर चोरी छुपे भागते देखा गया। इसके अलावा ताले पर भी वही फिंगरप्रिंट हैं जो उस चाकू पर हैं जिससे भावेश पर हमला किया गया। भावेश पर हुए हमले के समीकरण नीता को सस्पेक्ट बनाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीता के बेटे की किडनैपिंग के गवाह गांव वाले भी हैं। किंजल की हत्या में भी उस किडनैपर का हाथ हो सकता है, और भावेश पे हुए हमले में भी। हो सकता है जो दिखाई दे रहा है वो सच ना हो। लेकिन सर, पूछताछ से तो यही सामने आया है कि भावेश के घर के आसपास किसी सस्पेक्ट को नहीं देखा गया। इसके अलावा किसी ने किडनैपर को भी नहीं देखा, उसकी बाइक पर तो नंबर प्लेट भी नहीं थी। लेकिन वो बाइक किस कलर और ब्रांड की थी ये इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास। हो ना हो, इस किडनैपिंग का जैतपुर से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तलवार, जयपुर और उसके आसपास के गांव में इस कलर और ब्रांड की बाइक जिस जिसके घर में है उसकी लिस्ट बनाओ। साथ साथ ये भी पता लगाओ कि नीता और उसका बेटा इस वक्त कहाँ हो सकता है। लेकिन ये अभी भी साफ नहीं है कि नीता किसी डर से भागी या कोई अपराध करके। लेकिन सर, नीता के पति और माँ बाप ने जो बयान दिए हैं वो तो नीता के चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। दिए गए बयान झूठे भी हो सकते हैं तलवार। पुलिस ने अब इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। एक तरफ ये पता लगाया जाने लगा कि नीता के बच्चों को किडनैप करने वाला क्या उसके ही गांव से जुड़ा कोई शख्स था, और वहीं दूसरी तरफ नीता को भी ढूंढा जा रहा था। और इसी दौरान नीता के गांव छोड़ने का एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया। साहब दो क्या? नीता की तीसरी शादी की तैयारी कर रहे थे उसके माँ बाप। तीसरी शादी? जी हाँ साहब, लेकिन नीता इस शादी के लिए तैयार नहीं थी इसलिए भाग गई। भागती नहीं तो क्या करती बेचारी, जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती का तलाक, कौन सी औरत ये सब सहन कर सकती है? तीसरी शादी के बाद चौथी शादी होती तो कौन सा नया है? नीता जैसी जात वाली लड़कियों में ये सिलसिला खत्म थोड़ी होता है साहब। मतलब साहब, ये जयपुर वाले नाथा प्रथा को मानने वाले हैं। सर, नीता की पहली शादी 17 साल की उम्र में 2007 में हुई, 2010 में उसका तलाक हो गया। तलाक के 3 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी मठरू से हुई। उसी दौरान नीता के पहले पति ने दूसरी शादी कर ली। नीता का दूसरा तलाक 2013 में हुआ। तलाक के 3 महीने बाद मठरू ने भी दूसरी शादी कर ली।
इससे साफ है कि उसी दौरान नीता का रिश्ता भी कहीं तय हुआ होगा। यानी कि हो सकता है कि नाता प्रथा की बदहाली से डर के ही नीता गांव से भागी हो। नाता प्रथा पुनर्विवाह से जुड़ी एक पारंपरिक प्रथा है। इस प्रथा का चलन मध्यकालीन युग में राजस्थान के पिछड़े हुए समुदाय में हुआ, लेकिन आज भी राजस्थान के कई गांव और कस्बों में ये प्रथा प्रचलित है। ये प्रथा विधवा या पतियों द्वारा छोड़ी गई स्त्रियों को दूसरी या तीसरी शादी का अधिकार देने के लिए बनी थी, जिसका मकसद था बेसहारा औरतों को एक नई जिंदगी देने की कोशिश। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये प्रथा मन मर्जी के अलगाव और बिन मर्जी की शादियों में तब्दील हो गई। पुरुष वर्ग इतना हावी हो गया कि इस प्रथा की आड़ में पत्नियों की अदला बदली तक होने लगी। शगुन सौदा बन गया और पिता और पंचों की भूमिका लेन देन के दलालों जैसी हो गई। और हाल ये है कि जो प्रथा औरतों की भलाई के लिए बनाई गई थी, वही प्रथा आज औरतों की बदहाली का कारण बनकर सामने आ रही है। नीता की भी दो शादियां हुई थी और उसके पिता ने उसकी तीसरी शादी भी तय कर दी थी, जिससे तंग आकर नीता अपने मुंह भोले भाई की मदद से अपने बच्चों को लेकर यह गांव छोड़कर चली गई थी। लेकिन नीता का पिता अब भी उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा था। साहब, दूसरे गांव वाले कान भर रहे हैं आपके, हम इस नाता प्रथा को नहीं मानते। साहब, उस लड़की ने अपने पहले पति को छोड़कर खुद दूसरे को पसंद किया और जब दूसरे से जी भर गया ना, तो तीसरा घर बसाने के लिए बोली और लेकिन भाग गई चौथे के साथ। अपने पाप छुपाने के लिए उस रिश्ते पर लांछन लगा रहे हो जिसने तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए अपने माँ बाप गांव सब छोड़ा। लगता उसकी बधाई में रास नहीं आई। उसको मरवाने में भी तुम्हारा ही हाथ है और नीता के बच्चों को गायब करवाने में भी। कौन थे वो किराए के डट्टू जिन्होंने ये सब किया? हमने कुछ नहीं किया। लगता उस नीता को कोई पांचवा पसंद आ गया होगा, इसलिए वो भावेश और बच्चों से अपना पीछा छुड़ा रही होगी। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ, तुमको किंडल दीदी और राजा भैया की याद आ रही है ना? माँ, कर देना सोनू, ना मैं तेरे लिए कुछ कर पाई और ना ही किंजल और राजा के लिए। ना ही नीता के माँ बाप सीधे हैं, ना ही उसके दोनों पति। इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स, किन के साथ उठते बैठते हैं, हर एक डिटेल निकालो। और हाँ, उस तीसरे आदमी का भी पता करो जिसका नीता के साथ नाता जुड़ने वाला था। उसके पास भी नीता और भावेश को मारने का मोटिव है। सर, जिस रंग और ब्रांड के बाइक की हमें तलाश थी, वैसी बाइक भावेश के चचेरे भाई गणेश के पास है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे भावेश के घर वालों का ही हाथ हो? अभी तो भावेश का चचेरा भाई गणेश ही बताएगा। उठा के लाओ उसे। सर, साहब, भावेश तो खुद मुझसे बाइक मांग के लेके जाता था। तो तू ये बोलना चाहता है कि भावेश ने उन बच्चों को किडनैप किया जिनको उसने खुद सहारा दिया? अब साहब, उसने क्या किया क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोई अपहरण नहीं किया साहब। तूने सिर्फ अपहरण ही नहीं, हत्या भी की है, नीता की बेटी की भी और भावेश की भी। भावेश तो मेरा चचेरा भाई था साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम लोगों को ऐसा लगता था कि अपनी मुंह बोली बहन को सहारा देके उसने तुम्हारे खानदान के मुंह पे कालक पोती है। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तलवार, जब तक ये सच ना बोले हाथ रोकना मत। नहीं साहब, माम यहाँ क्यों आए? रुको रुको रुको, क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, मैं मर जाने दीजिए, छोड़ दीजिए हमें, मर जाने दीजिए।
भावेश के चचेरे भाई गणेश ने तो कुछ नहीं उगला, लेकिन हो सकता है कि उसने ये कांड खानदान की इज्जत बचाने के लिए नहीं बल्कि नीता के बाप से पैसे लेकर किया। वो कैसे? नीता के बाप से बोलचाल थी उसकी, और नीता के बाप ने अपने हैसियत का जो रोना रोया था वो झूठ था। नीता की हर शादी के वक्त उसके बैंक अकाउंट में मोटी रकम जमा हुई थी। उसने नीता की तीसरी शादी 2 लाख रुपए एडवांस लेकर इस आदमी से तय कर दी थी। ये भी जैतपुर गांव का रहने वाला है, इसका नाम है बिशंबर। नीता के बाप ने इससे कहा था कि वो नीता को ढूंढकर उसका तीसरा नाता इसी से करवाएगा। हेलो, ठीक है सर, नीता का पता चल गया है। उसने अपने बेटे के साथ में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे बचा लिया। साहब, मैं मानता हूं कि मैंने बिशंबर से पैसे लिए थे, लेकिन नीता को अपने पास लाने के लिए मैंने कोई कांड नहीं किया। कांड नहीं किया तो बिशंबर से वादा क्यों किया कि नीता को बुला के उससे नाता करवा देगा? साहब, झूठा वादा किया था ताकि वो अपने पैसे मांगकर मुझे परेशान ना करे। कल तक बोल रहा था कि बेटी अपनी मर्जी से नाते जोड़ रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके जरिए तू अपनी तिजोरियां भर रहा है। पहली शादी से 4 लाख, दूसरी से 7 लाख, और तीसरी के लिए 2 लाख रुपए एडवांस लिया था। साहब, मैं कोई सौदा नहीं कर रहा था, जो हमारी बिरादरी में प्रथा है मैं तो वही निभा रहा था। कल तक अपनी बेटी पर लांछन लगा रहा था और अब अपने लालच को प्रथा का नाम दे रहा है। सिर्फ मेरा बाप ही नहीं साहब, हमारी बिरादरी का हर कोई ऐसा है। मेरी सगी माँ के 4 नाते हुए थे और अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। और बेचारी मेरी सौतेली माँ, वो मेरे लिए क्या करती साहब? वो तो खुद घुट घुट की जिंदगी जीती रही। ये प्रथा नहीं है साहब, हमारी बिरादरी की औरतों के लिए गले का फंदा है। मर्द गले में वरमाला के नाम पे फंदा डालता है, शगुन के नाम पे रिश्ते का सौदा करता है। पिता, पंच सब अपनी जेबें भरते और हम औरतें साहब, औरतें आंखों में आंसू भर के रह जाती। एक मर्द का मन भर जाता तो दूसरा नोचने वाला आ जाता था। 3 साल मैं 3 साल अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरस गई थी, और जब मटरू ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा बाप मेरे तीसरे नाते के लिए तैयार था। साहब, मैं डर गई थी, मैं नहीं रहना चाहती थी उस नर्क में। मैं अपने और अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए वहां से डर के भाग गई, लेकिन मैं भूल गई थी साहब, ना मैं अपनी जिंदगी सुधार पाऊंगी और ना ही अपने बच्चों की। नाता प्रथा की बदहाली से उभर कर नीता अपने बच्चों को एक नई जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन अपने अतीत का खौफ उस पर इतना हावी हो चुका था कि वो किसी को अपने गांव और माता पिता के बारे में बताने से भी डरती थी। लेकिन पुलिस उससे ये जानना चाहती थी कि उसने किंजल के अगवा होने की बात उनसे क्यों छुपाई। अगर तुमने हम पे विश्वास जताया होता तो आज हालात कुछ और होते, लेकिन हमें सच बताने की बजाय तुम भाग गई, और जिस बेटी के भविष्य के लिए तुमने इतना संघर्ष किया तब तुम्हें उसकी भी परवाह नहीं थी। और तुमने ये कैसे मान लिया कि किंजल तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी ही नहीं? साहब, मैं बहुत डर गई थी, सोचने लगी कि कहीं किंजल के लिए मुझे उस नर्क में वापस जाना पड़ा तो मेरे दोनों बच्चे, मेरा पूरा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दिल पे पत्थर रख के मैंने किंजल को भूलना चाहा, लेकिन नहीं जानती थी कि मैं कितनी गलत थी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चों और भावेश के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे बाप का हाथ है? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जरूर उस बिशंबर ने किया होगा,
वही नीता के लिए पागल था। जरूर उसी ने भावेश को मारा होगा। हाँ सर, भावेश को मैंने मारा था। पहले किंजल, अब राजा। अगर तू अब भी चुप रही तो सोनू से भी हाथ धो बैठेगी। तो अब तुम मेरे सोनू को भी छीनना चाहते हो मुझसे? ये क्या बोल रही है तू? तुमने बोला था ना मुझे कि चल के पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। चलो, सब कुछ बता देते हैं पुलिस को। चलो। नीता, तू तो पुलिस को क्या बोलेगी? सब सच बता दूंगी पुलिस को। लेकिन क्या सच है? बोल मेरा राजा कहाँ है? बोल। ये क्या? बोल मेरा राजा कहाँ है? ये क्या करी तू? बावली हो गई क्या? किंजल को मारा ना? तूने मारा ना मेरे किंजल को? अरे हाँ। और अब राजा? राजा यहाँ पे छीन लिया मुझसे? मैंने बोल गई हूँ मैं। बोल मेरा राजा कहाँ? बोल। बोल। मेरे राजा का कहाँ छुपा है? मेरे राजा को मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बताएगा मेरे राजा को? नहीं बताएगा? मैंने सच भी ना जाने भावेश को मार दिया। भावेश मरा नहीं है। भावेश के होश में आते ही उसके बयान से यह स्पष्ट हो गया कि भावेश ने ही नीता को पाने की चाहत में उसके बच्चों का अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी। रिश्ते भरोसे पर बनते हैं और भरोसा जीतने की कोशिश वो भी करते हैं जिनकी नीयत में खोट होती है। सामने वाले के मन को पढ़ पाना आसान नहीं है, लेकिन चोट खाकर सीखने से बेहतर है कि हम कम से कम इतना सतर्क रहने की कोशिश तो जरूर करें कि चोट खाने से पहले सामने वाले की मंशा को भांप सके। क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपकी होली सुरक्षित और खुशियों के साथ बीती होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद।